हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिव LLB पर। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करेंगे क्या कोई अकेला व्यक्ति अपनी जमीन को अपने अन्य हिस्सेदारों से अलग करवा सकता है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करें आपको बता दें, यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई नई वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति जमीन को अपनी अलग करवाता है तो उसको लेकर दोस्तों कोई व्यक्ति अपनी जमीन का बंटवारा किस प्रकार कर सकता है उसको लेकर ये हमारी पहली वीडियो नहीं है। बंटवारे के ऊपर हमने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं जिनको आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। दोस्तों जमीन को लेकर एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। जब भी कोई व्यक्ति जमीन कई व्यक्तियों की साझा की होती है तो उसमें एक एडवांटेज ये होता है कि यदि आप किसी जमीन को आपका कोई साझेदार 20-30 साल से बो रहा है तो वो उस पर एडवर्स पोजीशन नहीं कर सकता, क्योंकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी का एक रूल है, एक व्यक्ति का कब्जा तो सब व्यक्तियों का कब्जा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज तब होता है जब कोई व्यक्ति आपको आपकी प्रॉपर्टी में से घुसने से रोकता है या आपको कल्टीवेट करने से रोकता है या कोई अन्य काम जो अपनी लैंड पर करना चाहते हो उससे रोकता है, तो आपको उससे छुटकारा पाने के लिए अपनी जमीन का पार्टीशन करवाना होता है। दोस्तों जमीन का पार्टीशन कैसे होता है उसके लिए देखना होता है कि वो जमीन एग्रीकल्चर लैंड है या नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। जब भी कोई जमीन एग्रीकल्चर लैंड होती है और कोई आपका साझेदार आपको उस जमीन पर कल्टीवेट नहीं करने देता तो आपको एससी फर्स्ट ग्रेड की कोर्ट में केस फाइल करना होता है। दोस्तों हर स्टेट के हिसाब से लैंड लॉज अलग अलग होते हैं और हर स्टेट में अलग अलग ऑफिसर को ये पावर होती है जो लैंड लॉज में या एग्रीकल्चर लैंड में पार्टीशन का सूट फाइल होता है। लेकिन हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर एससी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड उस कोर्ट को होल्ड करते हैं और उसमें आपको अपना पार्टीशन केस फाइल करना होता है। दोस्तों पार्टीशन केस के फाइल करने में समस्या तब तक रहती है जब तक कि अपोजिट या रिस्पोंडेंट को संबंध नहीं होता। जब एक बार अपोजिट पार्टी को संबंध हो जाता है तो या तो वो उस केस को कंटेस्ट कर लेते हैं या उस केस में एक्स पार्टी हो जाती है। जब वो अपने केस को कंटेस्ट करते हैं तो उसमें नक्शा कह है और तरीका तकसीम इस प्रकार से बनता है कि वो अगर चाहें तो आपकी तरह अपना अटक अलग बनवा सकते हैं और उसी प्रकार आपके टक में रास्ता नाली खाल आदि लग सकते हैं। और यदि अपोजिट पार्टी पेश होती है तो वो भी अपनी अलग से टक बनवाकर उसमें नाली रास्ता खाल लगवा सकते हैं। दोस्तों एग्रीकल्चर लैंड में जमीन की किस्म और उसकी कीमत और कब्जा के अनुसार उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन आप करवा सकते हो। इसके अलावा यदि जमीन नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो वो सिविल कोर्ट से उसकी पार्टीशन होता है और सिविल कोर्ट दो पार्ट में पार्टीशन करते हैं जिसमें पहले पार्ट में प्रिमली डिग्री बोलते हैं और उसमें कब्जे के अनुसार सिविल कोर्ट आपका बंटवारा कर देती है और उसके बाद उस बंटवारे के बाद आपको फाइनल डिग्री के लिए उस सिविल कोर्ट में दोबारा अप्लाई करनी पड़ता है और कोर्ट उसमें आपके केस को देखते हुए आपके कब्जे को देखते हुए उसका फाइनल डिग्री कर देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आप यदि किसी जमीन पर आपके साझेदार का कई वर्षों से कब्जा है तो भी वो जमीन उसी प्रकार आपके कब्जे मानी जाएगी जिस प्रकार आपके साझेदार के कब्जे में है, क्योंकि इकला है कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी पर एक व्यक्ति का कब्जा मतलब सबका कब्जा। लेकिन वो व्यक्ति यदि आपको अपनी जमीन को पार्टीशन करने या एग्रीकल्चर को कल्टीवेट करने से रोकता है तो आप उसको किस प्रकार कोर्ट से बंटवारा करा सकते हो और जमीन की किस्म के अनुसार वो बंटवारा कौन सी कोर्ट में होता है। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपको शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।